हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, इस वीडियो दे विच असी प्लस वन दा टर्म फर्स्ट दा थर्ड टेस्ट जिहड़ा डिस्कस करन जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट्स एज, सेम यूनिट्स किहदे हुंदे आ, इंपल्स इनटू डिस्टेंस या फिर लेंथ दे। सो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी, इंपल्स इनटू लेंथ या इंपल्स इनटू डिस्टेंस। नेक्स्ट आ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। बच्चे पैरेलल एक्सिस याद है थानू, एक सेंटर जो सेंड होंदी है ते एक एक्सिस साइड तो। सो पैरेलल एक्सिस आ कहिंदे कि उत्थे जिहड़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दा जिहड़ा रिलेशन आ ओह किहदे इक्वल हुंदा। सो दैट इज़ आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्केयर या फिर एम आर स्केयर। ठीक है, सो आ जाएगा थोड़ा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ, इन अ प्योर रोलिंग मोशन, अगर एक प्योर रोलिंग मोशन की गल की जाए तो कहिंदे की हुंदा आ प्योर रोलिंग मोशन की हुंदा। बच्चे इस तरह की एक एक्सिस आ, इस तरह की एक्सिस आ, इत्थे एक कोई बॉडी जिहड़ी आ रोल कर रही है विद फोर्स एफ। इहदा मतलब अगर वो इस तरीके की मूव कर रही तो असीं की पता करना उत्थे वर्क डन किन्ना आ। ठीक है, सारे पासे वर्क डन की गल की है। बच्चे वर्क डन किन्ना होएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी अगे नू फोर्स सेम लगा रही है तो रोल कर रही है, इहदा मतलब वेलोसिटी किन्नी हो जाएगी, जीरो सरफेस के उपर। अगर वेलोसिटी जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, जिहदे वजह ना थोड़ा वर्क डन किन्ना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर देख लो बच्चे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज जीरो वर्क ऑन अ बॉडी। जीरो वर्क का तो बिल्कुल सही है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, लीनियर वेलोसिटी नहीं होएगा बच्चे, फ्रिक्शन ही डायरेक्ट जिहड़ा वर्क डन आ, आपां जीरो प्रूव कर दिता तो आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट आ, मैच द फॉलोविंग्स, रेडियस ऑफ ग्रिएशन का बच्चे जो आंसर आ, रेडियस ऑफ ग्रिएशन मैजर करता जाता मीटर के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैजर किया जाता है किलोग्राम मीटर स्केयर के, टॉर्क नू मैजर किया जाता न्यूटन मीटर, और एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ किलोग्राम मीटर स्केयर। सो आंसर नंबर जोड़ा आ बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ, द हैंडल ऑफ अ डोर इज़ अ फिक्सड एट द फिक्स एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ द डोर बिकॉज, कहिंदे हैंडल जिहड़ा आ डोर ते फिक्स किया जाता। तुसीं अपने घर के दरवाजे देखे होणगे, उत्थे जिहड़े हैंडल आ वो एंड च फिक्स किए जाते आ। क्यों फिक्स किया जाता एंड दे विच, क्योंकि सानू घट जोर लगाना पवे तो जिहड़ा ईजीली जिहड़ा तुहाडा डोर आ ओपन हो जाए। सो लैस फोर्स टू रिक्वायर्ड द ओपन और क्लोज द डोर, सी ऑप्शन आ जाएगी बच्चे तुहाडी। द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द डिस्क अबाउट द ज्योमैट्रिकल एक्सिस, ज्योमैट्रिकल एक्सिस से जिहड़ा तुहाडी आ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर किन्ना होएगा। सो जेड एक्सिस किहदे इक्वल हुंदा बच्चे, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस आर इक्वल क्योंकि वह सिमेट्रिकल है। ठीक है, सो आ जाएगी आई एक्स प्लस आई एक्स, क्योंकि वह सिमेट्रिकल आ, बोथ आर इक्वल है, तो जिहड़ा तुहाडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह भी की हो जाएगा बच्चे, हाफ हो जाएगा। सो आई ओवर टू, सो इत्थे आ जाएगा आई ओवर टू। नेक्स्ट आ, इन द रोलिंग मोशन, बच्चे रोलिंग मोशन की हुंदा है, कनाइटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू कनाइटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस कनाइटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। इहदा मतलब कि जिहड़ा रोटेशनल या रोलिंग आ वह कॉम्बीनेशन हुंदा है, अगर कॉम्बीनेशन होएगा रोलिंग, इहदा मतलब रोलिंग सब तो वड्डा होएगा। सो रोलिंग सब तो वड्डा मतलब सी और डी दे विच सब तो वड्डा आ, उस तो वड्डा कॉम्बीनेशन आ। सो कनाइटिक प्लस ट्रांसलेशनल वड्डा होएगा, दैन रोटेशन कल्ला होएगा। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन सारा कुछ ग्रेटर आ बच्चे, आ भी ग्रेटर आ। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रोटेशनल नालों कॉम्बीनेशन जिहड़ा ज़्यादा वड्डा होएगा। नेक्स्ट आ जाओ एट्थ क्वेश्चन दे, कहिंदे कि लाइट रॉड इन अ परफेक्ट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम दे विच आ तां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किदां दा होएगा। जिहड़ा बच्चे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुंदा आ दैट इज़ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, टोटल फोर्स दे इक्वल हुंदा आ। सो विच वन इज़ अ ट्रू, सो बच्चे अकॉर्डिंग टू मी जिहड़ा आ ए बी जिहड़ा करैक्ट होना चाहिए, बट एक बार तुसी अपने स्कूल टीचर तो जरूर कंसर्न करना कि इक्वल्स टू जीरो हो सकता कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मेरे जिहड़ा आ ओ बी करैक्ट आ, क्योंकि टोटल फोर्स जिहड़ा आ ओ इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स आ जाता। सो एफ इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू, सो ये रिजल्टेंट होएगा। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ,
इन द गिवन फिगर आ रोटेशनल इक्वलीब्रियम फॉर द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी होल्ड किदां दा होएगा अगर दो बॉडीज़ आ बच्चे उत्थे ट्रांसले रोटेशनल इक्वलीब्रियम आ जिहड़ा फोर्स आ उह डिस्प्लेसमेंट या लेंथ दे इक्वल टू एल टू दे इक्वल आ जाता मतलब डिस्टेंस दे इक्वल आ जाता इत्थे उन्होंने लेंथ की जगह पर डिस्टेंस लिता है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगी ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे वल आ रही है तो मतलब एक वेलोसिटी पॉजिटिव होएगी तो दूसरी असी नैगेटिव लवेंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट आ टू वी नू लै लो पॉजिटिव और वी नू लै लो नैगेटिव दैन मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास बच्चे किन्ना होएगा सेंटर ऑफ मास के इक्वल हुंदा है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाय एम वन आर टू इत्थे हुण वेलोसिटीज़ की गल की है तो टू वी एम वन एम वन की है मास एम विलोसिटी माइनस वी एम डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू हूँ बच्चे इतने टू वी एम है इतने एम वी आ सो टू चो वन निकाल दिता तो वी एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम टू एम सो एम दे नाल एम कटिया गया वी डिवाइडेड बाय टू जिहड़ा आंसर आ जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है इतने सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नैक्सट आ इफ द आइस ऑन अ पोल कैप स्टार्ट मेल्टिंग अगर पोल्स के बच्चे जी आइस पई हुई है वह पिघलनी स्टार्ट हो जाए तो साढ़े जोड़े दिन आ वह कि होएगा जोड़ा दिन आ बच्चे इनक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है इनक्रीज़ हो जाएगा इफ अ पार्टिकल इज़ मूविंग रेंडमली इन अ एक्स और वाई डायरैक्शन एक्स और वाई डायरैक्शन के मूव कर रहा है तो थोड़ी एंगुलर मोमेंटम किधर न होएगा सो एंगुलर मोमेंटम का बच्चे थोड़ा फॉर्मूला पता है एल वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर यदा मतलब तीसरा जैड एक्सिस वल होएगा. ठीक है सो इधर नू होएगा जैड एक्सिस वल क्लीयर हो गया सो तुसी इदा दा कीता होएगा जैड एक्सिस आ एक्स आ और आ वाई आ सो जैड एक्सिस वल हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर आ जाएगी सी जैड एक्सिस. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी आर देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल जिद एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो आई ए ग्रेटर लिया तो कि कनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी क्योंकि बच्चे इतने रिलेशन आ एक आई ई इज इक्वल टू एल स्केयर डिवाइड बाय टू आई सो आई जरा इनवर्सली प्रपोर्शनल आ इस करके की होएगा उ जी बी दी कनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी क्योंकि मोमेंट ऑफ एनर्जी आई का ज़्यादा तो कनेटिक एनर्जी बी दी ज़्यादा होएगी. नैक्सट देखो वैन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन कम्स नियर द सन मान लो कोई धरती के आले दुआले सन जरा धरती घूम रही है सन के आले दुआले इट्स स्पीड इनक्रीजिज मान लो दी स्पीड इनक्रीज होगी इट इज़ बेस्ड ऑन किहड़ी चीज़ से बेस्ड आ क्योंकि बच्चे कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा आ कि जोड़ा एरिया आ उन्हें कोई इन्ना फर्क नहीं पैंता सो एंगुलर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जोड़ा आ वह इस बेस पर कम करेगा. नैक्सट आ अ थिन वायर ऑफ मास एम लेंथ एल इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल अगर सर्कल की फॉर्म के असी इनू बेंड कर दिता जाए तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया जोड़ा आ वह कि होएगा दैट इज़ एम एल स्केयर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्केयर. नैक्सट आ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर थ्री फोर्सिज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच आर इक्विलिब्रियम मान लो तुसी अपने आप नू रख लो कि तुसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे नाल 10 सेंटीमीटर दे नाल मूव कर रहे हैं वेलोसिटी थोड़ी की आ कॉन्सटेंट आ अगर असी उत्ते कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जड़ियाँ थ्री फोर्सिस बाहरों लगा रहे हो इक्विलिब्रियम दे विच होवे तां वेलोसिटी एट द सेंटर सेंटर दे उपर वेलोसिटी किन्नी होएगी बच्चे एक्सटर्नल फोर्स किन्नी आ एम ए असी एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे इहदा मतलब एक्सेलरेशन किन्नी हो जाऊगी जीरो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इहदा मतलब वेलोसिटी जिहड़ी आ कॉन्सटेंट ही रहेगी सारे पासे क्योंकि एक्सेलरेशन किहदे इक्वल हुंदा है वेलोसिटी ओवर टाइम. अगर साडा ए जड़ा आ जीरो आ तो यदा डेरीवेटिव की हो जाएगा कॉन्सटेंट सो वी की हो जाएगी कॉन्सटेंट यदा मतलब हर पॉइंट पर कॉन्सटेंट आ विलोसिटी सो विलोसिटी सानू गिवन आ कि 10 सेंटीमीटर आ सो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. नैक्सट देखो मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर परपेंडिकुलर होवे रॉड दे तां की होएगा रेडियस ऑफ ग्रिएशन के इक्वल होंगे एम के स्केयर इज इक्वल टू क्योंकि असी केदा लै रहे हैं बच्चे रेडियस ऑफ ग्रिएशन रिंग दा. ठीक है एम के स्केयर असी रॉड दा लिख दिता एम के स्केयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ग्रिएशन के इक्वल हुंदा है हाफ एम एल स्केयर. ठीक है इत्थे आ गिवन आ तो 1/12 आ जाएगा एम दे नाल एम कैंसल
सो के का आंसर कितना आ जाएगा, 1/√12 स्केयर के नाल स्केयर कैंसल तो एल, सो आ गया एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12। सो डी ऑप्शन जिहड़ा आ तुहाडा ओह राइट आंसर है, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12। नैक्सट आ कॉन्सटेंट टॉर्क आ, टाओ लग रहा है, टाओ की वैल्यू थानू गिवन है, दैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, तो एंगुलर एक्सलरेशन मतलब तुसी अल्फा पता करना, सो टाओ के इक्वल होंगी आई अल्फा, सो अल्फा के इक्वल होएगा टाओ डिवाइडेड बाय आई, सो दिस इज 200/5 कट के आ गया 4 rads/s। ठीक है, नैक्सट आ द सन रोटेट्स अराउंड इट सैल्फ इन 27 days, इफ वर टू एक्सटेंड अ ट्वाइस टू इट्स प्रेजेंट डायामीटर, प्रेजेंट डायामीटर नालों दुगना कर दिए तो वह न्यू जो टाइम आ 108 days आ जाएगा, सो यदा डी ऑप्शन होएगा 108 days। लास्ट क्वेश्चन आ एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलीक्यूल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इज 1.13, द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द गैस मॉलीक्यूल इज, हुण बच्चे असी सेंटर ऑफ मास लगान लगे हाँ, सेंटर ऑफ मास के इक्वल होएगा m1r1+m2r2 डिवाइडेड बाय m1+m2। हुण फस्ट का मास किन्ना आ, पहला कौन आ कार्बन, कार्बन का मास किन्ना 12, सो सेंटर तो किन्ना होएगा 0, m2 किन्ना आ थोड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर किन्ना आ 16 × 1.13 ऑंगस्टोन मतलब 10⁻¹⁰, डिवाइडेड बाय टोटल मास किन्ना हो गया 12+16। सो आ सारे नू सॉल्व करके देख लो बच्चे, जिहड़ा तुहाडा आंसर आ वह आ रहा आ 0.646×10⁻¹⁰ सो आंसर आ जाएगा 0.646 ऑंगस्टोन। ठीक है, पर ऑप्शनस दे विच देखो बच्चे कोई भी थोड़ा करैक्ट आंसर नहीं आ, पर आपां इहदे नेड़े तेड़े वाला आंसर लै लैणा, 0.6 आ तां 0.5 लै लांगे जो कि इहदे नेड़े आ, 0.4 और 0.3 इहदे नालों ज़्यादा छोटे हो जाते, सो 0.5 इज़ द राइट आंसर। डन, सो बच्चे अज्ज दा असीं इह डिस्कस कीता प्लस वन का पेपर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबसक्राइब करना ना भुलना। थैंक यू सो मच।